पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे कल परसों देखा कि निदा यासिर साहबा ने एक लड़की को बुलाया हुआ है जो कि डांस करती है बहुत अच्छा, और उसकी खूबी है डांस करना, और उसकी एक वीडियो बहुत वायरल है, और निदा यासिर साहबा उसके तारुफ में कह रही हैं कि जी माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बड़े कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर तीनों हजरात, एक लड़की है जो बहुत तेज़ बोलती है, अब वो पाकिस्तान की कौम की और नौजवानों की हीरो है, और गुज़िश्ता चंद दिनों से एक लड़की है जिसकी खूबी ये है कि वो डांस बहुत अच्छा कर रही है अपनी वीडियो में, लिहाजा अब वो हमारे मीडिया की एक नई सेलिब्रिटी है और सेंसेशन है और हीरो है। आप अपने नौजवानों को, अपने उन तमाम नौजवानों को जिनकी उम्र 12-13 साल से, 15 साल से, 25 साल तक की है, उनको क्या सबक दे रहे हैं? ठीक है, आप मशहूर हो जाएं, बड़ी अच्छी बात है, मशहूर होना किसी तरीके से आपका हक है, लेकिन बहुत अफसोस और दुख की बात यह है कि इस सब चीज़ से हमारे लोगों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे नौजवानों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इसको भी देखने की ज़रूरत है। जाहिर है वो मशहूर हो रहे हैं, वो वायरल हो रहे हैं, उनका कंटेंट वायरल हो रहा है, तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी उन लोगों पे है जो इस सोसाइटी में स्टेक होल्डर्स हैं। मेरी मुराद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मुझे बड़ा, मैं तो आमतौर पे टीवी नहीं देखता, कई साल हो गए हैं टीवी छोड़े हुए, लेकिन पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे कल परसों देखा कि निदा यासिर साहबा ने एक लड़की को बुलाया हुआ है जो कि डांस करती है बहुत अच्छा, और उसकी खूबी है डांस करना, और उसकी एक वीडियो बहुत वायरल है, और निदा यासिर साहबा उसके तारुफ में कह रही हैं कि जी माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बड़े कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। अब सवाल ये है कि मैं एक और आपको ये चीज़ बताता हूँ जिससे मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा जी उनकी सैलरी है 60-70 हज़ार, मुझे कहने लगे कि मेरे बेटे ने जो कि 8वीं 9वीं क्लास का स्टूडेंट है, उसने कहा है कि जी बाबा आपकी सैलरी 60 हज़ार है, मैं यूट्यूब से, मैं टिकटॉक से, आप मुझे अलाउ करें, मैं 1,60,000 कमा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कैसे? उसने कहा मैं डांस करके कमा सकता हूँ। यानी अब आपने अपने सारे नौजवानों को बता दिया है कि पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ है, पैसा कमाने के लिए आप ना तालीम की ज़रूरत है, ना मेहनत की ज़रूरत है, ना अखलाकियात की ज़रूरत है, वो सब कुछ करें जिसके ज़रिए आप डायरेक्ट एक शॉर्ट से ट्रैक के ज़रिए और एक शॉर्टकट के ज़रिए फौरी तौर पे मशहूर हो सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, अगेन इससे कोई मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई अगर मशहूर हो जाता है तो अच्छी बात है, मॉडर्न जो ज़माना है उसमें ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इस सोसाइटी को जिन लोगों की ज़रूरत है उनको भी अप्रिशिएट करें आप। ये तमाम मॉर्निंग शोज़ जो कि किसी वायरल गर्ल को बुला लेते हैं, किसी वायरल बॉय को बुला लेते हैं, उनको चाहिए कि जो आपके मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स हैं, आपके ओ लेवल ए लेवल के पोजीशन होल्डर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आपके सहाफ़ी हैं, वो तमाम लोग जो मेहनत करते हैं, मसलन अगर मैं अपनी, ठीक है मैं कोई किसी की भी आप मिसाल ले लें, लेकिन अगर मैं अपनी स्ट्रगल पे देखूं तो 2003 में मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल में, 2002 में सेंट्रल मॉडल का स्टूडेंट था, फिर गवर्नमेंट कॉलेज, फिर अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, FCPS करने तक कोई 22-23 साल का एक ट्रैक है जो कि मुझे याद पड़ता है, और मुझे अभी भी याद है मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जब था तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की ट्यूशन पढ़ने के लिए मैं नवीद मजीद एकेडमी जाता था। सुबह वहाँ पे एक टीचर थे हमारे जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे, आरिफ कमर साहब, 5:30 से 6:15 उनका लेक्चर होता था, फिर 6:15 से 7 डॉक्टर शुजात साहब थे, उनसे मैं, शफात साहब बायो पढ़ता था, और फिर उसके बाद 7 से 7:45 नवीद मजीद साहब से फिजिक्स पढ़ते थे, और फिर वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने से गुजर के हम गवर्नमेंट कॉलेज आ जाते थे। यानी एक स्ट्रगल है जो आप करते हैं, और उसके बाद आप सोसाइटी में एक ऐसा फर्द, या मैं आपसे इसलिए आज इस वीडियो के ज़रिए ये बात करना चाहता हूँ, जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि सोसाइटी को सिर्फ डांस करने वालों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस बंदे की ज़रूरत नहीं है जो पैसे अच्छे कमा सकता है, आपकी सोसाइटी को अच्छे IT एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत है, आपकी सोसाइटी को ऐसे एक्सपर्ट्स। अब क्यों ट्विटर, फेसबुक, गूगल के ऊपर सिर्फ इंडियंस छाए हुए हैं?
हमने अपने नौजवानों को ये दिखा दिया है कि जी ये जो गैजेट है इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप इसके जरिए मशहूर हो, और फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अनफॉर्चुनेटली उसको अप्रिशिएट कर रहा है। दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास डिग्रियां हैं, यहाँ तक कि जिनके पास MBBS की डिग्री है, वो क्या कर रहे हैं? वो रुल रहे हैं, वो डिस्करेज हो रहे हैं। MA करके PhD करके बच्चे बच्चियां जो हैं, एक दो सीटें होती हैं और उसके ऊपर 2000 लोग एप्लीकेंट होते हैं, वो तो पहले ही डिस्करेज है। ऊपर से आपने उन्हें अब ये रास्ता दिखाया कि भाई ये करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब क्या हो रहा है, मैंने अब इस पर भी किसी वक्त बात होगी, अब मैंने टिकटॉक पिछले दिनों ज्वाइन किया और मैंने ये देखना वहाँ शुरू किया है, आपके जितने इस टाइम लड़के लड़कियां हैं जिनकी उम्र खासकर जो 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के हैं, वो क्या करते हैं? अब उनमें से हर एक की ये ख्वाहिश है, वो चाहे गरीब है चाहे अमीर है, अब उनकी ये ख्वाहिश है कि वो एक वीडियो बनाएं जिसमें वो लैंड क्रूजर से उतर रहे हो, ठीक है, या कोई बहुत बड़ी सी गाड़ी हो, उसके लिए चाहे वो किसी घर के बाहर खड़ी गाड़ी के आगे वीडियो बना लें, लेकिन उन्होंने लैंड क्रूजर से उतर रहे हो, दो तीन गार्ड हूँ उनके दाएँ बाएँ खड़े और वो चलते जा रहे हो, ठीक है, और वीडियो में पीछे एक गाना लगाओ सिद्धू मूसे वाले का, और वो गाने में आ रहा जट दा खड़ाक, जग्गा जट, बदमाश, ये वो जो भी उनके अल्फाज होते हैं वो सब चल रहे हैं। अब 9वीं 10वीं के बच्चे ये कर रहे हैं, उनको कोई ख्याल नहीं है कि उन्होंने पढ़ना है, उन्होंने तालीम हासिल करनी है, उन्होंने कोई अच्छा प्रोडक्ट सोसाइटी में बनना है, कुछ क्यों वो करेंगे ये ख्याल, क्योंकि हम लोग उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहे। हम जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कंटेंट हम देख रहे हैं उसके बाद जिस कंटेंट को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या है जी, एक बंदे ने अपनी शर्ट उतार के दिखा दिया तो वो मशहूर हो गया, पैंट उतार के दिखा दिया तो वो मशहूर हो गया, ये तरीका नहीं होना चाहिए। आप हूँ मशहूर, लेकिन साथ साथ जिस चीज़ की सोसाइटी को ज़रूरत है, जिस चीज़ की कौम को ज़रूरत है, उनको भी अप्रिशिएट करें। तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से, और वो तमाम लोग जो इस सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि इस कहत की तरफ, इस जवाल की तरफ भी तवज्जो दें। घरों के अंदर बच्चे बच्चियां इस लत में इतनी बुरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आइंदा 2-4 साल बाद आप देखेंगे हम जिस सतह पर खड़े हैं उससे बहुत नीचे चले जाएंगे। जो मिसालें हम देते हैं इंडिया की कि जी वो हमसे बहुत आगे चला गया, उसकी कोई रीजंस हैं, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हमें उस पर गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। मेरी आपसे गुजारिश है, पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि आप इस पर गौर करें, और बच्चों से भी गुजारिश है जो बहुत जल्दी में, एक दिन में चाहते हैं कि उनके पास कोई बहुत मर्सिडीज गाड़ी हो, बहुत बड़ा उनके पास प्रोटोकॉल हो, बहुत बड़ा सेटअप हो उनके पास, वो देखते हैं उन सब लोगों को जिनके पास ये हैं और वो चाहते हैं कि वो एकदम बहुत बड़ी कोई स्टार बन जाए। तो ये सारे शॉर्टकट्स होते हैं, इनकी कोई लाइफ नहीं होती। और ज़िंदगी में यकीन रखें, आखिरी बात, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जो आपका शोभा है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी तालीम है, वो उसकी आपको भी ज़रूरत है और इस सोसाइटी को भी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।